टीवी सीरियल अनुपमा टीआरपी की लिस्ट में राज कर रहा है। राजन शाही का ये शो जब से टेलीकास्ट हुआ है तब से ही फैंस का पसंदीदा शो बना हुआ है। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना अनुज अनुपमा के रोल में छाए हुए हैं, तो सुधांशु पांडे भी वनराज के रोल में सीरियल में तड़का लगाने का काम करते हैं। अनुपमा शो बंगाली और मराठी भाषा में भी आता है। इन तीनों शो की कहानी लगभग एक तरह ही चल रही है। अनुपमा में जिस तरह अनुपमा की दूसरी शादी और अनुज संग तलाक दिखाया गया है, उसी तरह बाकी दोनों भाषाओं में शो की कहानी आगे चल रही है। लेकिन अब बंगाली और मराठी शो में एक नया ट्विस्ट आ गया है, जिस वजह से फैंस की चिंता काफी बढ़ गई है। दरअसल अनुपमा के मराठी वर्जन वाले शो का नाम आई कुणे काय करते हैं और बंगाली भाषा के इस शो का नाम त्रियोमोई है। इन तीनों शो में अलग अलग स्टार कास्ट दिखाई जा रही है। बंगाली और मराठी वर्जन वाले अनुपमा को हाल ही में दिखाया गया कि मेन लीड कैरेक्टर की मौत हो गई है, यानी अनुज की मौत हो गई है। इन तीनों शो की कहानी को मेकर्स एक जैसा ही चला रहे हैं और इसी वजह से अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही अनुपमा में भी मेकर्स इस ट्विस्ट को लाने की तैयारी कर रही है। दावा है कि शो में जल्द ही अनुज की मौत हो जाएगी, जिससे अनुपमा और आध्या अकेली पड़ जाएंगी। ये शो बेशक पहले नंबर पर है, लेकिन सीरियल की रेटिंग लगातार गिर रही है। ऐसे में अनुज की मौत का फायदा सीरियल की टीआरपी को मिलेगा। ये ट्विस्ट शो के टीआरपी में एकदम उछाल लेकर आएगा। टेली चक्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक शो के मेकर्स अनुज की मौत के प्लानिंग कर चुके हैं। जल्द ही ये ट्विस्ट शो में आएगा। बता दें कि टीवी सीरियल अनुपमा में अनुज और श्रुति की शादी के फंक्शन शुरू हो गए हैं। जल्द ही शो में नजर आएगा कि श्रुति और अनुज का संगीत फंक्शन घर में होने वाला है और इसके लिए अनुपमा कैटरिंग की जिम्मेदारी लेने वाली है। अनुपमा अनुज के घर आकर ही खाने का तैयारी करेगी और वहां पर आध्या के ताने चालू रहेंगे। हालांकि अनुपमा सब कुछ नजरअंदाज करने की कोशिश करेगी।